सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे अज बगेश्वर धाम वाले बाबा धर्मेंद्र शास्त्री पहुंचे। दस दिए कि इस मौके उन्होंने नाल पंजाबी गायक इंद्र सिंह निक्कू भी मौजूद रहे। मिली जानकारी मुताबक पीली दस्तार सजा के पहुंचे बगेश्वर धाम वाले बाबा धर्मेंद्र शास्त्री ने श्री दरबार साहब के मत्था टेकिया, सरबत के भले की अरदास भी की। इस मौके पर श्रोमणी कमेटी के अधिकारियों के वलों उन्होंने सन्मानित भी किया गया। पत्रकारों के गलबात करद हो बगेश्वर धाम वाले बाबा ने की आख्या, आओ सुनते हैं उन्होंने जुबानी। काम कर रहे हैं, भारत में मंगलमय होवे, सभी में एकता होवे, सनातन धर्म एवं गुरु ग्रंथ साहब की कृपा के साथ सभी के ऊपर हनुमान जी की दया बनी रहे, यही मंगल कामना करने के लिए हम गुरु साहब को दंडवत करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ से फिर हम पठानकोट की यात्रा करेंगे। वहाँ 3 दिन तक श्री मध्यदेवी भागवत महाचरित्र का पारण चरित्र सुनावेंगे। इसके बाद में फिर हम अपने धाम को शास्त्री जी कह सकते हैं कि जो आपके भक्त हैं, जो जाने वाले हैं, उनको काफी उड़ीक थी कि कब वो पंजाब की धरती पर आएंगे। जी, इसीलिए हम आ गए, आपकी आज्ञा लगी, हमने स्वीकार कर लिया। आज जी निक्कू भी नाल पहुंचे ने, निक्कू का के थोनू सारे पंजाब जाना गया। ये सब गुरु साहब की महिमा है, हनुमान जी की महिमा है, और इसमें किसी का कोई निमित्त मात्र हाथ नहीं होता, ये सब निमित्त परमात्मा के हाथ में होता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, ये यहाँ की परंपरा है, हम भारतीय हैं। नरेंद्र जी फर्स्ट टाइम आए हैं पंजाब? जी नहीं, दोबारा आए हैं, पहली बार एक बार आ चुके। कैसी मेहमान नवाजी कैसी रही आप? बहुत अद्भुत, बहुत प्यारे लोग हैं। हाँ जी, बहुत प्यारे लोग हैं, अब हम भी सरदार जी ही लग रहे हैं। बहुत बार बार आते रहेंगे, सबको जगाते रहेंगे, और हली उल्लाह वालों की ठटरी जरूर बारते। अच्छा जी, अब आगे हम बताएंगे, हम आप जहाँ जाएंगे सब बता देंगे भाई साहब, चले जाए। बगेश्वर धाम वाले बाबा धर्मेंद्र शास्त्री ने आख्या कि अज वाहेगुरु ने अपने घर सद्या, असी पुजे हाँ, इन्हों बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, लोक ओपीनियन, बठिंडा। सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे अज बगेश्वर धाम वाले बाबा धर्मेंद्र शास्त्री पहुंचे। दस दिए कि इस मौके उन्होंने नाल पंजाबी गायक इंद्र सिंह निक्कू भी मौजूद रहे। मिली जानकारी मुताबक पीली दस्तार सजा के पहुंचे बगेश्वर धाम वाले बाबा धर्मेंद्र शास्त्री ने श्री दरबार साहब के मत्था टेकिया, सरबत के भले की अरदास भी की। इस मौके पर श्रोमणी कमेटी के अधिकारियों के वलों उन्होंने सन्मानित भी किया गया। पत्रकारों के गलबात करद हो बगेश्वर धाम वाले बाबा ने की आख्या, आओ सुनते हैं उन्होंने जुबानी। काम कर रहे हैं, भारत में मंगलमय होवे, सभी में एकता होवे, सनातन धर्म एवं गुरु ग्रंथ साहब की कृपा के साथ सभी के ऊपर हनुमान जी की दया बनी रहे, यही मंगल कामना करने के लिए हम गुरु साहब को दंडवत करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ से फिर हम पठानकोट की यात्रा करेंगे। वहाँ 3 दिन तक श्री मध्यदेवी भागवत महाचरित्र का पारण चरित्र सुनावेंगे। इसके बाद में फिर हम अपने धाम को। शास्त्री जी कह सकते हैं कि जो आपके भक्त हैं, जो जाने वाले हैं, उनको काफी उड़ीक थी कि कब वो पंजाब की धरती पर आएंगे। जी, इसीलिए हम आ गए, आपकी आज्ञा लगी, हमने स्वीकार कर लिया। आज जी निक्कू भी नाल पहुंचे ने, निक्कू का के थोनू सारे पंजाब जाना गया। ये सब गुरु साहब की महिमा है, हनुमान जी की महिमा है, और इसमें किसी का कोई निमित्त मात्र हाथ नहीं होता, ये सब निमित्त परमात्मा के हाथ में होता है, माध्यम कोई भी हो सकता है। ये यहाँ की परंपरा है, हम भारतीय हैं। नरेंद्र जी फर्स्ट टाइम आए हैं पंजाब? जी नहीं, दोबारा आए हैं, पहली बार एक बार आ चुके। कैसी मेहमान नवाजी कैसी रही आप? बहुत अद्भुत, बहुत प्यारे लोग हैं। हाँ जी, बहुत प्यारे लोग हैं, अब हम भी सरदार जी ही लग रहे हैं। बहुत बार बार आते रहेंगे, सबको जगाते रहेंगे, और हली उल्लाह वालों की ठटरी जरूर बारते। अच्छा जी, अब आगे हम बताएंगे, हम आप जहाँ जाएंगे सब बता देंगे भाई साहब, चले जाए। बगेश्वर धाम वाले बाबा धर्मेंद्र शास्त्री ने आख्या कि अज वाहेगुरु ने अपने घर सद्या, असी पुजे हाँ, इन्हों बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, लोक ओपीनियन, बठिंडा।